जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार का तीसरा आम बजट पेश किया है। बजट पेश होने से पहले लोकसभा के अंदर एक विदेशी महिला दिखी है, जिनका लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शानदार स्वागत किया है। ओम बिरला ने कहा है कि माननीय सदस्यगण, मुझे अपनी ओर से और सदन के माननीय सांसदों की ओर से तंजानिया नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर तुलिया एक्शन का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वे हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। ओम बिरला ने आगे कहा कि माननीय डॉक्टर तुलिया एक्शन 19 जुलाई 2024 को भारत पहुंची। उन्होंने 21 जुलाई 2024 को आगरा का भ्रमण किया और वो इस समय संसद के सत्र में मौजूद हैं। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से अंतर संसदीय संघ IPU की प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर तुलिया एक्शन का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वे हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर एक्शन बजट सत्र को देखने के लिए यहाँ उपस्थित है। माननीय डॉक्टर तुलिया एक्शन शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2024 को भारत पहुंची। उन्होंने 21 जुलाई 2024 को आगरा का भ्रमण किया और इस समय वह विशेष बॉक्स में आसीन है। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सफलता की भी कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम तंजानिया गणराज्य की संसद के सदस्यों, तंजानिया की सरकार तथा वहाँ की मित्र जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ओम बिरला के स्वागत के बाद डॉक्टर तुलिया एक्शन अपनी सीट से खड़ी हो गईं और हाथ हिलाकर अभिवादन करती नजर आईं। आपको बता दें कि तंजानिया की ये महिला ये देखने आई हैं कि भारत में बजट कैसे पेश होता है। डॉक्टर तुलिया एक्शन वर्तमान में तंजानिया की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष हैं।